अपने दिन की कीजिए शुरुआत अध्यात्म के साथ। देखिए धर्म गंगा कार्यक्रम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे नए एपिसोड में नई जानकारी और प्रसंगों के साथ होंगी अध्यात्म की बात। पेश है धर्म गंगा कार्यक्रम। नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राधे। मैं दिलजीत फिर एक बार आपके साथ उपस्थित हूँ शुक्रवार को धर्म गंगा कार्यक्रम में। और आज हम जानेंगे सनातन धर्म से जुड़ी उन तथ्यों को जो हमेशा दैनिक उपयोग में काम आते हैं और हर नए कार्य के प्रारंभ होने पे स्वास्तिक को बनाया जाता है। आज हम उन्हीं स्वास्तिक को लेकर के उसके पीछे का क्या कारण है, उसे क्यों बनाया जाता है, उन्हीं पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। सबसे पहले महाराज जी स्वागत है आपका। जय श्री राधे, जय माता की। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में जो भी कार्य प्रारंभ की जाती है, नए घर बनाना हो या खाता बही हो या जो भी वाहन हम लोग खरीदते हैं और पूजन के द्वारा पूजन जब की जाती है तो उस समय स्वास्तिक बनाया जाता है। आज हम उसी स्वास्तिक पर चर्चा करेंगे। महाराज जी सबसे पहले जानना चाहेंगे स्वास्तिक बनाने के पीछे का क्या तथ्य है। देखिए बहुत लंबा प्रसंग है और बहुत तारतम्य संबंध स्वास्तिक से ईश्वर का, जगत का, मनुष्यों का जुड़ा हुआ है। स्वस्तिक का संबंध श्री से है, श्री का संबंध लक्ष्मी से है, लक्ष्मी का संबंध विष्णु से है और विष्णु के से गृहस्थ आश्रम का संबंध है। जहाँ श्री होगा वहीं संपन्नता होगी, वहीं धन वैभव होगा और जहाँ धन वैभव होगा वहीं सुख शांति होगी। इसीलिए स्वस्तिक नित्य नैमित्ति प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक कार्य का श्री गणेश स्वस्तिक निर्माण से किया जाता है। स्वस्तिक का बहुत बड़ा उपयोग हमारे आपके जीवन में है, बहुत सारी रहस्यमयी कथाएं भी इसके साथ जुड़ी है। प्रत्येक कार्य में इसीलिए स्वस्तिक का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक कार्य में श्री गणेशाय नमः, मतलब कि जो कार्य प्रारंभ करते हैं उसमें स्वास्तिक को बनाने के पीछे का तथ्य महाराज जी ने बताया कि किसी भी काम को जब हम करते हैं वो काम नया हो तो उसके पीछे स्वास्तिक का निर्माण करना, स्वास्तिक बनाना, धन क्षेत्र उसका लगाव जो होता है वो श्री से उत्पन्न होती है और श्री कहीं ना कहीं लक्ष्मी, विष्णु, जो भी हमारे इष्ट देवता है उनसे उसका लगाव होता है। महाराज जी हम जानना चाहेंगे कि स्वास्तिक कब से प्रारंभ हुई, कब से बनाया जाता है। फिर हम वहीं चलेंगे जहां समुद्र मंथन हुआ, जहां देवता और दानवों ने मिलकर अथक परिश्रम करके समुद्र मंथन किए। हम सभी जानते हैं जो 14 रत्न उस समुद्र से निकला, कमल का पुष्प निकला, माता लक्ष्मी निकली, ऐरावत हाथी निकला, उच्चैःस्रवा घोड़ा निकला, कामधेनु गाय निकली, अमृत का कलश निकला, बीस का कलश निकला, बहुत शंख निकला, बहुत सारा चीज़ समुद्र मंथन से निकला। माता लक्ष्मी निकली तो भगवान विष्णु अपना अर्धांगनी उनको बनाया। माता लक्ष्मी का स्वरूप आठ तरह का है। आठ लक्ष्मी हमारे वैदिक ग्रंथों में, देवी भागवत में इत्यादि में इनका वर्णन आया है। स्वस्तिक को जब आप प्रमाणिकता के साथ देखेंगे तो स्वस्तिक में चार मोर है, ऐसे करके क्रॉस बनाया गया है नीचे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर करके चार मोर है। तो चार स्वस्तिक में मोर है और उसके मध्य में, उसके बीच में चार बिंदु बने हैं, कुल आठ होते हैं। ये आठों लक्ष्मी के आठों स्वरूप का इसमें अस्थाई निवास होता है। प्रत्येक कार्य भले ही हम करते हो, गणपति की आराधना करें, शिव की करें, दुर्गा की करें, विष्णु की करें, हनुमान की करें, राम की करें, किसी का भी करें, पर उद्देश्य होता है शांति, संपन्नता, खुशहाली, आनंद। और इस कली काल में शांति, संपन्नता, खुशहाली, आनंद सबका अगर अस्थाई कोई अस्तित्व है तो वह श्री है, वह लक्ष्मी है। किसी भी कार्य को आप पूर्ण करेंगे तो उसके लिए धन की आवश्यकता होगी और धन तभी आपके पास होगी जब लक्ष्मी की कृपा होगी और लक्ष्मी की कृपा तभी होगी जब लक्ष्मी को प्राप्त करने की
लक्ष्मी को प्रसन्न करने के पद चिन्हों का हम अनुसरण करेंगे, उस मार्ग पे चलेंगे और उस मार्ग का श्री गणेश स्वस्तिक निर्माण से होता है, इसलिए स्वस्तिक निर्माण का बहुत बड़ा उपयोग है। स्वास्तिक निर्माण का उपयोग बहुत बड़ा है महाराज जी ने बताया। और स्वास्तिक में जैसा कि महाराज जी ने बताया कि चार तरह से उसका जो चार रूप से उसका मुख बनाया गया हुआ है और चारों मुख पे वहाँ पे बिंदु दी जाती है, इसका तथ्य इसके पीछे का जैसा कि महाराज जी ने बताया कि माँ लक्ष्मी के आठ स्वरूप है और उसी आठ स्वरूप को उस स्वास्तिक में दर्शाया जाता है। महाराज जी हम जानना चाहेंगे कि स्वास्तिक मानव जीवन पे किस प्रकार प्रभावशाली है। स्वास्तिक के बिना, लक्ष्मी के बिना मनुष्य का जीवन शून्य है। आप इस संसार में 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद तो आए हैं, संसार चलाने की जो विधाता के द्वारा एक प्रक्रिया बनाई गई है उस प्रक्रिया में लक्ष्मी का धन का बहुत बड़ा योगदान है। कली काल में मनुष्य की आयु 120 वर्ष की गई, जिसमें 40 कलियुग के प्रभाव से कम गया, 80 वर्ष की आयु सामान्य मनुष्य की है। अच्छा कर्म करेंगे तो वे 100 और 100 से अधिक वर्ष जियेंगे, बुरा कर्म करेंगे तो 50, 60, 70 पूर्ते पूर्ते गोविंदाय नमो नमः हो जाएंगे। पर जन्म से लेकर 60 वर्ष की अवस्था तक पहुंचने के लिए अन्न, जल, वस्त्र, पुष्प, फल, औषधि इत्यादि प्राप्त करने के लिए, सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए धन की आवश्यकता होगी, और धन तभी प्राप्त होगा जब लक्ष्मी की कृपा होगी, और लक्ष्मी तभी प्राप्त होगा जब आप अपने घर के दरवाजे पर, अपने व्यापार स्थल में, अपने धन क्षेत्र में, अपने कारोबार क्षेत्र में माता लक्ष्मी के प्रिय, माता लक्ष्मी का निवास स्थान स्वस्तिक का निर्माण किए रहेंगे। आप उसका दर्शन करेंगे, आपके यहाँ आने वाले सहयोगी उसका दर्शन करेंगे तो लक्ष्मी प्रसन्न होगी, लक्ष्मी की कृपा होगी, और लक्ष्मी की कृपा होगी तो धन धन से घर परिपूर्ण होगा, आपका जीवन परिपूर्ण होगा, और जीवन जब परिपूर्ण होगा तो किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा, आनंद पूर्वक आप अपने पूरे जीवन को जी सकेंगे। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया कि स्वास्तिक मानव जीवन के लिए कितना प्रभावशाली है, स्वास्तिक से धन क्षेत्र में वृद्धि होती है। यही कारण है कि हर नए काम के प्रारंभ से पूर्व जो हमारे यहाँ पूजा कराने पंडित आते हैं उनके द्वारा स्वास्तिक का निर्माण किया जाता है। आप बने रहें हमारे साथ धर्मगंगा कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।